उसको है ना, होना भी चाहिए। कलयुग का देव है हाले का सहारा। और कहते हैं कि जिसने इसको भजन सुनाया उसके पीछे के लिए लट्टू हो जाता है। आप चाहे छप्पन भोग ना लगाओ कोई बात नहीं, चाहे बड़े से बड़ा श्रृंगार भी ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं। लेकिन कहते कि अगर टूटा फूटा कोई भजन की लाइन भाव से अगर सुनाई जाए तो ये जरूर सुन लेता है। उसकी बात क्योंकि भजनों का प्रेमी है, भजनों से ही मिला है और भजनों से ही मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की फुलहारे के। लेकिन आज कल श्याम जगत में कुछ अलग ही हो रहा है ना, बड़ा विचित्र हो गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है। और अभी बाबा का जन्मदिन था तो बेकरी से केक किस किसी ने काटा था, सच बताओ। तो बेकरी से लेके आए थे केक, तो दुकान से लेके आए थे, किसी से नहीं काटा था। कौन कौन लेके आया मंदिर में, एक बार हाथ तो उठाओ, पता तो लगे। हाँ मैं यहाँ भी, हम जाना कहाँ है और हम जा कहाँ है। इसलिए प्रेमियों आने वाले जन्मदिन पर चाहे घर से छोटा सा बना लेना, लेकिन उससे बड़े भाव के साथ इसका भोग भी लगेगा और कुंडले में भी भोग लग सकता है, वो तो दरबार में भी नहीं कर सकता। इसलिए अगली बार बोल भाई पूरी व्यवस्था के अनुसार बड़ा सारा केक बनाना मंगेगा और खूब भक्तों में बांटना। बोल सच्चे बड़े ही दयालु
Thank you.
क्या पता किसकी नैया डूब रही है।
आज वो सब तेरे भरोसे पर छोड़ कर आते कीर्तन में बैठा। इसलिए बाबा हम तो यही प्रार्थना करते हैं, भक्तों की नैया को दे दो सहारा, तेरे सिवा किया।